नॉर्मल मोड और अभी मैं फिश आई लेंस लगाने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लग चुका है फिश आई लेंस और यहाँ पर प्रॉपर 180 डिग्री आपको देखने को मिल जा रहा है। सो हे गाइस, वेलकम बैक। और आज की वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं एक छोटे से लेंस की अनबॉक्सिंग और ओवरव्यू, जो कि अराउंड आपको 200 to 300 rupees में अमेजोन पर मिल जाता है, जो कि ये है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, और साथ ही में अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप ट्रोन डोनेट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा ट्रोन वैलेट का एड्रेस दिया हुआ है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन द वीडियो। तो ये है हमारे पास अमेजोन की तरफ से जो बॉक्स आया है हमारे पास, तो चलिए अनबॉक्स करते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आपको देखने को मिल जा रहा है, ये है हमारी मेन चीज़ जिसका नाम है यूनिवर्सल क्लिप लेंस, जो कि मैंने वेबकैम को वाइड करने के लिए मंगवाया था। इसमें तीन टाइप के लेंस आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक वाइड एंगल, एक मैक्रो और एक फिश आई, ऐसा कुछ। और साथ में क्लिप भी मिल जाती है। ये कुछ है बैक साइड में, आपको कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है। ये सारे डिस्क्रिप्शन, एक फिश आई लेंस, एक मैक्रो लेंस अगर आप देख पा रहे होंगे तो, और एक ही है वाइड एंगल लेंस। तो इसे हम लोग मोबाइल फ़ोन के भी कैमरा पर लगा सकते हैं, वेब कैम पर भी लगा सकते हैं। तो ये है कुछ हमारा प्रोडक्ट, चलिए इसे करते हैं अनबॉक्स। बॉक्स हो चुका है ये एम्प्टी, इसे फेंक देते हैं साइड में। और ये मेन चीज़ है हमारे सामने। और ये बहुत ही सॉफ्ट एक क्लोथ हमें मिला है इसे साफ़ करने के लिए। एंड साथ ही में हमें मिला है ये मेन लेंस, जो कि हमारा, आप यहाँ पर पास से देख पा रहे होंगे, ये है हमारा मेन लेंस। और इसे साइड से अगर मैं दिखा दूँ तो कुछ ऐसा देखने में लगता है, अगर फोकस हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ ये देख सकते हैं आप। ये फिश आई लेंस यहाँ पर लगा हुआ है 180 डिग्री का। साथ ही में यहाँ पर दो और लेंस है, जैसे कि एक ये कवर भी आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पर, और साथ में ये दो और लेंस आपको देखने को मिल जाते हैं। अब चलिए देखते हैं इसे कैसे यूज़ किया जाता है। और यहाँ पर यूज़ करना मैंने नहीं आपको बताया, यूज़ करने के लिए कुछ नहीं करना। इस लेंस को लेकर के यहाँ पर इसके ऊपर बस लगा देना है और यहाँ गोल गोल घुमाकर इसे टाइट कर देना है। कोई भी लेंस, ये तीनों में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। अभी जैसे मैक्रो लगा हुआ है, यहाँ पर टाइट किया हुआ है गोल घुमाकर, और ये क्लिप है, इसे पकड़ करके आप यहाँ पर सीधे ऐसे करके मोबाइल फ़ोन के कैमरा में इसे लगा सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। चलिए मैं आपको एक मोबाइल में ही इसे लगाकर दिखाई देता हूँ। तो इस लेंस को यहाँ पर लगाना बहुत ही इजी है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये है लेंस और ये है हमारा स्मार्टफोन। तो फिर यहाँ हम अपने स्मार्टफोन के कैमरा के ऊपर इसे सिंपली कुछ इस प्रकार से यहाँ पर ऐसे लगा देंगे, एंड दैट्स प्रीटी मच इट, काम ख़त्म। ये कैमरा के ऊपर परफेक्टली लग चुका है। तो गाइज यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हैं एकदम क्वालिटी यहाँ पर क्लियर आ रही है। अभी मैंने लगा रखा है मैक्रो लेंस और उसके ऊपर वाइड एंगल लेंस, तो बहुत ही ज़्यादा वाइड एंगल आ रहा है। अगर मैं इस लेंस को हटा दूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना ज़्यादा क्लोजअप यहाँ पर देखने को मिल जा रहा है। तो लेंस तो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, बट एक चीज़ है, वाइड एंगल लेंस आपके मैक्रो लेंस के साथ ही काम करता है, विदाउट उसके नहीं काम करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले मैंने यहाँ पर फिश आई लेंस हटाकर यहाँ पर पहले मैक्रो लेंस यहाँ पर लगाया, आप जैसा कि देख सकते हैं, और उसके ऊपर वाइड एंगल लगाया। अगर मैं चाहूँ तो इस वाइड एंगल को खोल कर भी अलग कर सकता हूँ और सिर्फ मैक्रो लेंस भी मैं यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ। देखिए साथ में खुल गया। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं विदाउट वाइड एंगल लेंस, एंड अब मैं यहाँ पर वाइड एंगल लेंस को यहाँ पर लगाता हूँ। ये लग गया वाइड एंगल लेंस, और आप देख सकते हैं विथ वाइड एंगल लेंस क्या अंतर आया है। ये है विथ वाइड एंगल लेंस, और अगर मैं वाइड एंगल लेंस को अगर मैं हटा दूं तो ये है विदाउट वाइड एंगल लेंस, तो अंतर आप देख सकते हैं। नॉर्मल मोड और अभी मैं फिश आई लेंस लगाने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लग चुका है फ़िश आई लेंस, और यहाँ पर
एकदम पूरा प्रॉपर 180 डिग्री यहाँ पर आपको देखने को मिल जा रहा है, एकदम पूरा का पूरा 180 डिग्री अप्रॉक्सीमेटली। तो ये है मैक्रो लेंस, आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन हम यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर पास में लाएँ और यहाँ पर देखें तो हमें यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में यहाँ पर फोकस हो रहा है। अगर हम लोग यहाँ पर कुछ पास की चीज़ फोकस करें कुछ इस टाइप से, तो इस क्लिप को भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैक्रो यहाँ पर कितना अच्छा काम कर रहा है, मैक्रो लेंस देख सकते हैं।